हाय नॉर्थ पार करते हैं अब। ठीक है, तो कहाँ से आ रहे हो? कौन से क्लास में? गाड़ी नहीं मिलेगा, कल गाड़ी मिलेगा। कोई नहीं रुक रहा गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज कमरान नईम एंड यू वाचिंग क्लासिक। तो ये जो रास्ता है गूगल मैप दिखा रहा था, मगर यहाँ तक पगडंडी है, रास्ता है नहीं। तो ये सफ़र जो शुरू हुआ था मोतिहारी से, बातों ही बातों में शुरू हो गई और अभी पोखरा पहुँच चुके हैं। इसके बाद जॉमसॉम के लिए जा रहे हैं और यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ रहा है हमें, और आगे बने रहे, आगे दिखाते हैं आपको क्या है। तो बड़े ही जद्दोजहद के बाद एक बस मिली है जिसमें कुछ सामान लादे गए हैं और जो कि बनिहाल के लिए जाएगी। ये जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगा। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. अब बस रास्ते में ठहरी हुई है कुछ पल के लिए, आराम के लिए, तो हम भी इधर नेचर से बातें करने के लिए आ गए। ये बस में पब्लिक चढ़ती हुई और ये पब्लिक बस की तरफ आती हुई। कीट 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 कीट। बस से उतरना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है, ड्राइवर वो सामने बैठा हुआ है और हमें यहाँ से भी पैदल जाना होगा। सभी लोग यहाँ से पैदल निकल रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत कठिन ख़राब है और हमें यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा लगभग वहाँ तक, पूरा घूम कर जाना होगा। तो हम जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, चल रहे हैं। तो गाड़ी अब बिल्कुल पूरी तरह से फंस चुकी है और गाड़ी निकालने के लिए जिद्दोजहद जारी है और ये आगे भी रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वहाँ पर जाना है, चलने पे गला सूख जा रहा है, पानी लेकर हमने लिया है, बैग भी रख लिया है, खाना भी ले रखा है, होकर गुजरने वाली रास्ता है। मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता पार किया जा रहा है। बड़ी जद्दोजहद के बाद पानी भी मिल चुका है, बोतल खाली हो चुकी थी, बोतल भी भर चुका है और आगे का सफ़र कायम है। एक जगह कुरान पाक में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, ये बड़ी बड़ी पहाड़ें, ये फिज़ा, ये आसमान, ये फल हमने सब तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये जो रिस्क देते हैं हम ही तुम्हें देते हैं। फ़व यही है आला रबी को मात तुकज़बान, तुम अल्लाह पाक की किन किन नियामतों को झुठलाओगे। कौम अपनी जज़र व माल जहाँ पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दरअसल बात यह है कि जो वीडियो बनी है पहले बनी है और जो वॉइस जोड़ रहा हूँ मैं दिल्ली में आकर तकरीबन 2 महीने बाद बना रहा हूँ वीडियो को, तो बस आप नज़ारे का लुत्फ उठाइए। आहर तेज वाली धूप है, सर्द के अंदर गंदी वाली महूसियत, और आज कुछ खतरनाक करने की है हमारी नीयत। ऊपर चढ़ने का यहाँ से रास्ता था जो कि आसान था, लेकिन हम लोग वहाँ से चढ़ के चले गए जो कि बहुत ही खतरनाक था। ऊपर से उतर कर देखे थे, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक रास्ता यूँ ही पार कर लिया, अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। अरे आप क्या कर रहे हैं इधर, हम तो खैर टहलने आए थे। अच्छा, इन्हें भी ले जाना है, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, टहलाइए। ऊपर में एक फेवा लिखता, वहीं पर एक पर्सन मिला हमें और हमें इनसे हेल्प मांगा और हमें अपनी कार में बैठा कर अब नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? कौन से क्लास में पढ़ते हो? कौन? कौन से क्लास में? सेवन क्लास में। भाई इधर घर पे जा रहे हो?
हाँ भाई हिंदी आती है नहीं दारू नहीं पीने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में शराब को हराम क्यों करार दिया गया है? ऐ रसूल, आपसे लोग शराब और जुए के लिए बारे में पूछते हैं, तो आप उनसे कह दीजिए कि इनसे बड़ा कोई गुनाह नहीं और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं और उनका गुनाह उनके नफ़ा से बहुत बड़ा है, क्योंकि सूरह अल बकरा आयत नंबर 2:219 में है। और यहाँ पे कुछ गूगल के भी अपने सुझाव हैं। दोस्त का नाम क्या है? मोहम्मद कामरान। कहाँ का रहने वाला है? इंडिया। कौन सा ठाव का? बीरगज है ना? हाँ। लक्ष्मण गुरु मेरा नाम लक्ष्मण गुरु। देखो बैठे बात करते हैं ना खड़े है ना खड़े क्या बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं ना। कैसे पार करेगा इसको? अच्छा, घर अपना है? अपना घर वहाँ पार, गंडकी के पार है हमारा। अच्छा, वो जो है सर, ये वीडियो में हाय बोल दीजिए। हाय, इसमें हाय। अब हम जा रहे हैं अपने गांव तरफ, देखो नदी पार करते हैं। नदी पार करते हैं अब। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त हम जा रहे हैं। चलिए जाइए, बड़ा कठिन रास्ता है इनका। ये नदी पार करेंगे और अपने राशन के लिए आए थे, जो तकरीबन 4 से 5 दिन चले गए, क्योंकि घर में 7 फैमिली है। और ये इस तरीके से नदी पार करेंगे, अपने जान को जोखिम में डालकर। मतलब ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए कठिन है ये रास्ता, और नदी पार करेंगे। और साथ बातों में यह होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर उनका घर है और यहाँ बसते हैं। हाँ, गाड़ी में जाने वाला नहीं? गाड़ी नहीं मिलेगा, कल गाड़ी मिलेगा। रोक नहीं, नहीं रोक जाएगा। कोई नहीं रुक रहा, गाड़ी जाना था। कोई नहीं रुक रहा, कितने को मना के बोला गया? 2 घंटा। 2 घंटा लगेगा कुआंग जाने का? 2.5 घंटा लास्ट वाला। 2.5 घंटा? हाँ 2.5 घंटा। कहाँ जा रहे हैं? इधर गाँव में। लगातार 2.5 से 3 घंटे चलने के बाद आखिरकार कुआंग पहुँच चुके हैं, और अब यही पे सो ख़त्म करते हैं। यहाँ पे होटल लिया जाएगा और फिर घर के लिए रवाना हो जाएगा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।